नमस्कार बच्चों। नमस्कार फूलकुमारी दीदी। आज मंदिर के प्रांगण में बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। ओमकार और मंत्रों की ध्वनि का प्रभाव ही कुछ ऐसा होता है। क्यों ना आपको आज भी एक नया मंत्र सिखाऊं? एक ऐसा मंत्र जिसे सुबह सवेरे उठते ही बोल आप त्रिदेवी लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती तीनों के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। अरे वाह, ये कैसा मंत्र है, सिखाइए हमें। इस मंत्र को अपनी हथेलियां खोल उन्हें देखते हुए बोलना चाहिए। यह मंत्र है कराग्रहे वसते लक्ष्मी। कर यानी आपके हाथ, आग्रहे मतलब आगे वाला हिस्सा, यानी आपके हाथ के आगे वाले हिस्से में उंगलियों के छोर के पास देवी लक्ष्मी निवास करती हैं। करमध्ये सरस्वती, करमध्ये यानी हाथ के बीच में, यानी हथेलियों में देवी सरस्वती रहती हैं। करमूले स्थिता गौरी, यानी हथेलियों के निचले भाग में गौरी यानी देवी पार्वती का स्थान होता है। प्रभाते कर्दर्शनम, प्रभात यानी सुबह सवेरे, कर्दर्शनम सुबह सवेरे हथेलियों को देखकर तीनों देवियों के ये दर्शन कर आशीर्वाद लेना चाहिए। एक बार पूरा मंत्र एक साथ सुनो। कराग्रहे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थिता गौरी, प्रभाते करदर्शनम। आओ अब आप सब भी मेरे साथ एक एक पंक्ति कर इस श्लोक को दोहराओ। कराग्रहे वसते लक्ष्मी, कराग्रहे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थिता गौरी, करमूले स्थिता गौरी, प्रभाते करदर्शनम, प्रभाते करदर्शनम। हमारे हाथों में ही हमारा भविष्य होता है, वहीं तीनों देवियां भी निवास करती हैं। इस मंत्र को रोज सुबह सवेरे अपनी हथेलियों को देखकर बोलकर तीनों देवियों के दर्शन प्राप्त करने चाहिए। उसके बाद ही अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। दीदी, ये कैसे तय हुआ कि कौन सी देवी कहाँ होंगी? लक्ष्मी उंगलियों के छोर पर, सरस्वती हथेली में और माता पार्वती मूल यानी हथेली के अंत में क्यों हैं? आप बड़े जिज्ञासु बालक हो। ये बहुत अच्छा सवाल है। प्राचीन मंत्र ऐसे ही नहीं लिखे गए। इन मंत्रों में जहाँ ध्वनि का प्रयोग सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने के लिए किया गया है, तो वहीं साधारण अर्थ के सिवा ये मंत्र कोई ना कोई छुपी हुई सीख भी देते हैं। इस मंत्र का साधारण शाब्दिक अर्थ तो मैंने अभी आपको बताया ही, पर इसके छुपे हुए अर्थ में ही आपके इस प्रश्न का उत्तर भी है। वाह, ये तो बड़ा रहस्यमय जान पड़ता है। रहस्यमय तो नहीं, पर अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट जरूर है। देवी लक्ष्मी उंगलियों के अग्र भाग में हैं, क्योंकि वे धन धान्य की देवी हैं। धन धान हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु उसे उतना ही जमा करना चाहिए जितने की जरूरत हो, और बाकी जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। और जब आप दान करते हैं, तो कोई भी वस्तु देते वक्त आपकी उंगलियों के आगे के हिस्से ही काम आते हैं। इसीलिए देवी लक्ष्मी यानी धन धान्य की देवी वहीं निवास करती हैं। अच्छा, और देवी सरस्वती? देवी सरस्वती विद्या की देवी हैं। हमें सदैव उत्तम विद्या यानी अच्छी बातें और ज्ञान के लिए ग्रहणशील यानी लेने को तैयार रहना चाहिए। और जब आप किसी चीज को लेना चाहते हैं, तो हाथ खोलकर हथेली फैला देते हैं
है ना? और जब आप किसी चीज को सहेज कर या संभाल कर भी रखना चाहते हैं, तो उसे भी हथेली में रखते हैं। इसीलिए देवी सरस्वती, जो कि ज्ञान विद्या का प्रतीक है, हाथ के मध्य में हथेली में निवास करती हैं। ओ, जैसे जब हमें पानी हाथ में रोकना होता है तो हथेली में भरते हैं, और गिराना होता है तो उंगलियों से गिरा देते हैं। ज्ञान हमें अपने पास रखना होता है और लेने को भी तैयार रहना होता है, इसलिए ज्ञान की देवी सरस्वती का स्थान हथेली में है, और धन संसाधन अपने उपयोग के अतिरिक्त दान करना होता है, इसलिए धन की देवी लक्ष्मी उंगलियों के पास विराजती है। पर देवी पार्वती के मूल में होने का क्या रहस्य है? देवी पार्वती सांसारिक जीवन का प्रतीक है। वे शिव की पत्नी है, जिन्होंने शिव के रौद्र रूप को सांसारिक वातावरण के अनुरूप ढाला। देवी पार्वती हम सबके इस सांसारिक रूप का प्रतीक हैं, इसलिए वे मूल यानी जहां ज्ञान और धन दोनों शरीर से जुड़ता है, वहीं कलाही के पास विराजमान हैं, समझे? ओह, ये मंत्र तो सच में बड़ा गूढ़ अर्थ लिए है। हाँ, तो अब आप सब बच्चे रोज सुबह उठते ही सबसे पहले हाथ ऊपर उठा, दोनों हथेलियों को खोलकर मिलाना, और इस मंत्र को बोलते ही तीनों देवियों के दर्शन करना, साथ ही मन भगवान से प्रार्थना करना कि आप अपने जीवन में माँ गौरी की कृपा से इतने सक्षम बने कि सदैव ज्ञान बढ़ता रहे और धन इतना हो कि आप दान करते रहें। आइए अब मेरे साथ एक बार फिर इस मंत्र को दोहराइए। कराग्रहे वसते लक्ष्मी, कराग्रहे वसते लक्ष्मी, कर्मध्ये सरस्वती, कर्मध्ये सरस्वती, कर्मूले स्थिता गौरी, कर्मूले स्थिता गौरी, प्रभाते कर्दर्शनम्, प्रभाते कर्दर्शनम्। बहुत अच्छे, इस मंत्र के बारे में आज इतना ही। जय मां भारती, जय मां भारती।